हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। योगी सरकार में जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। मामला है आजमगढ़ जिले का, जहां 29 मार्च को भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे और उनकी प्रारंभिक तैयारियां चल रही थी, जिसके चलते एडीएम लव त्रिपाठी और खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार गुप्ता के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके चलते एडीएम महोदय ने खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार गुप्ता को थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके विरोध में मिर्जापुर क्षेत्र के राजगढ़ ब्लॉक और सीखड़ ब्लॉक मुख्यालय पर खंड विकास अधिकारी रामचंद्र यादव एवं सीखड़ ब्लॉक खंड विकास अधिकारी डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में प्रदेश विकास सेवा संगठन के आह्वान पर दो दिन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यह कार्य बहिष्कार प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लिया गया है। आजमगढ़ में जो है एडीएम प्रशासन लवकुश त्रिपाठी द्वारा वीडियो को थप्पड़ मारने के विरोध में हम लोग दो दिन तक कार्य बहिष्कार करेंगे। ब्लॉक में कोई कार्य नहीं करेंगे, ब्लॉक खुला रहेगा लेकिन हम कोई कार्य नहीं करेंगे, यह दो दिनों तक जारी होगा। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सहित समस्त कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा एक सभा कर आजमगढ़ में अधिकारी को थप्पड़ मारने की घटना की घोर निंदा करते हुए लोग आक्रोशित हुए। एडीएम के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर आलोचना करते हुए उन्हें निलंबन कर FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। किस बात को लेकर सर धरने पर बैठे हैं आप लोग? जनपद आजमगढ़ में 29 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री केशव त्रिपाठी जी और केशवनाथ मौर्य जी आने वाले थे 30 मार्च को, उसकी जो है प्रारंभिक तैयारी चल रही थी। उसमें एडीएम वित्तन राजस्व और लोकुश त्रिपाठी और खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार गुप्ता जी, इन दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर के जो भी बात हुई हो, टेलीफोनिक बात हुई शायद आपस में, फिर उसके बाद मौके पर गुप्ता जी पहुंचे तो एडीएम साहब आपे से बाहर हो गए, उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उनके नाक भी टूट गए, ब्लीडिंग हुई सुना है। तो इसी विरोध में यहाँ तक ये है कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, कोई भी हायरार्की है, चयन सिस्टम है, काम करने का सीनियर जूनियर अफसर होते हैं, लेकिन कहीं थप्पड़ को कोई मौका नहीं होना चाहिए, कोई थप्पड़ की जगह नहीं है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। इस मौके पर कॉपरेटिव एडीओ पंचायत राजेश कुमार सिंह, SDO पंचायत अरुण कुमार सिंह, MI ब्रिजेश मोहन सिंह समेत लगभग सभी कर्मचारी उपस्थित रहे थे। देखना है कि अब इनके आंदोलन के बाद यहां क्या कार्रवाई होती है। मिर्जापुर से संदीप सिंह के साथ राजेश प्रजापति की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।